अभी आपके बहुत खास दोस्त हैं, आपने उनके सामने काफ़ी घूमे हैं, हाल ही में उनको लेकर उनके एक ट्वीट को लेकर काफ़ी उनके न्यूज को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? Nothing, I'm not here to talk about that. I'm here to watch the play. काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम लोग म्यूज़िकल देख रहे हैं, इस तरह का म्यूज़िकल देखना हमेशा स्पेशली रहेगा. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स दैट वी सीइंग अ म्यूज़िकल इन मुंबई एंड समथिंग ऑफ दिस स्टैचर एंड स्केल, सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. काफ़ी एक्साइटेड है. रेखा जी आती है जहन में हमारे ख्याल में, क्योंकि अगर उमरा जान की बात करें तो एक ही नाम आता है, वो है रेखा जी. और बट लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस. नथिंग, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट दैट, आई एम हियर टू वॉच द प्ले. Great musical, Salim Suleiman are two big magicians that I've known for a lot of years now, and you can only expect the best out of them. So I'm sure, you know, the way we are doing our musicals and our plays and the theater, the scene of theater is pretty changing in India, and it's a very welcome change. Personally, having done theater for a lot of years, I really feel still connected with it. And I'm glad that things are changing for the better, and I hope to do it sometime myself as well. मैं यार थिएटर के वजह से ही बनाऊँ जो बनाऊँ, तो मैं थिएटर जब बैठ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बैठ के क्यों देख रहा हूँ, आई नीड टू बी ऑन स्टेज डूइंग इट. सो लाइक आई सेड कि द थिंग्स आर चेंजिंग एट अ वेरी रैपिड पेस. वी आर डूइंग सम फैंटास्टिक म्यूजिकल्स ऑन अ वेरी बिग स्केल, सो पर्सनली ऑल्सो आई वुड लव टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग लाइक दिस. नहीं यार अभी तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ कोई करना चाहेगा तो आई एम ऑलवेज गेम टू डू समथिंग लाइक दिस. या थैंक यू ऑल द बेस्ट. Yes. What am I expecting? ये question हमेशा पूछा जाता है और expectations हमेशा high होती हैं, because first of all it's उमराव जान. तो please, I think हम सब ने उमराव जान देखी और हम सबके दिलो दिमाग में उमराव जान, मतलब मेरे दिमाग में और मेरे दिल में तो रेखा जी बैठी हुई हैं. एंड इट्स अ म्यूजिकल, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड थिएटर आजकल काफ़ी enlarge ho gaya hai, the platform itself has become very big, so it's good to know that. Kaise bolu, acha okay, calm down chalo, come on, I'll answer everyone, chalo.
सॉरी ऑफ कोर्स द डीवा द लेजेंड रेखा जी वही आती हैं सबसे पहले जहन में जी. एथनिक बोला गया था सो यस. अभी मेरे हिसाब से एथनिक इज इधर साड़ी एंड आई लाइक वेयरिंग साड़ीज जैसे कि सबको पता है बट एथनिक. क्या अलग अलग करते हैं टुगेदर बेटर है ना. ये एक मिनट में आ रहे कॉल है ना उसको बुलाओ ना. यार ये हम बहुत ही छोटी उम्र से 1981 की फिल्म रिलीज है उमराव जानक और बहुत ही इसका म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आज तक इसका संगीत बहुत ज़्यादा मशहूर है और हम जब हमारे बचपन में हम जब सुन रहे थे गाने तो यही हमारी एक इंडियन म्यूज़िक के लिए यही शुरुआत थी हमारे लिए. और दोनों मैं और सुलेमान हम लोग जब शास्त्रीय संगीत सीखते थे तो ये अपने आप में एक पॉपुलर फॉर्म हो गया था इंडियन म्यूज़िक का क्योंकि जाहिर है फिल्म में ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था. और तब से मेरी तमन्ना थी कि कुछ हम करेंगे इसके साथ. और जब म्यूज़िकल्स हमें लगा कि म्यूज़िकल्स हमारे देश में अभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे तो हमने ये सोचा कि शायद उमराव जान का म्यूज़िक और उसका म्यूज़िकल थिएट्रिकल प्रोडक्शन एक अच्छा वेंचर रहेगा. तो हमने कोशिश की है और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को पसंद आया. देखिए म्यूज़िकल का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी नया है और बहुत कम ऐसे थिएटर के प्रोडक्शंस हुए हैं जिसमें म्यूज़िकल प्ले बनता है. तो हम हमेशा ये प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा म्यूज़िकल आए जो सब सुन सके देख सके. आप थिएटर के अंदर घुसो तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ एक मुग़ल पीरियड के अंदर जाके ऐसे लगे आपको कि ये मुग़ल पीरियड में हम गए और देखा कुछ. तो बस आशा यही है कि अच्छे से जाए शो और सब लोग एंजॉय करें. सर अगर जब म्यूज़िकल प्ले की बात होती है चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. म्यूज़िक द नाम म्यूज़िकल होता है तो म्यूज़िक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. और हमने कोशिश ये की कि इस उमराव जान का जो म्यूज़िक है जो 19th सेंचुरी में अर्ली 19th सेंचुरी में बेस्ड था ये एक एक्चुअली बुक है उमराव जान का. और हमने कोशिश ये की कि हम किताब जो बुक थी जो नॉवल थी उसको हम रिप्रेजेंट करें और इसका जो म्यूज़िक है वो फिल्म से हम उठाएं. तो फिल्म का म्यूज़िक इतना मशहूर हुआ तो हमने पहली बार तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम म्यूज़िक वही रखेंगे जो फिल्म का है ना कि हम कोशिश करेंगे कुछ अलग क्योंकि इस फिल्म की पहचान इस कहानी की पहचान इसकी स्टोरी की पहचान इसके म्यूज़िक से ही हुई है. खयाम साहब का म्यूज़िक है और शारियार के लिरिक्स हैं. तो हमने इस म्यूज़िक को जो उमराव जान का म्यूज़िक है उसको रीऑर्केस्ट्रेट किया है लेकिन उतना ही ऑथेंटिक रखा है उतनी ही चीज़ें उसमें रखी है जो ओरिजिनली है उसमें कुछ बदलाव नहीं लाया है. कुछ कुछ चीज़ें हमने अलग की है म्यूज़िकल के तौर पर बट मोस्टली हमने सेम ही रखा है. रेखा जी रेखा जी आशा जी खयाम साहब शाहयार फारूक शेख जी पूरी फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं मुझे पता है ये फिल्म वापस भी बनी थी ऐश्वर्या राय बच्चन जी के साथ जेपी दत्ता जी ने बनाई थी लेकिन समाओ जो ओरिजिनल उमराव जान था वो ओरिजिनल ही था. आप देखिए म्यूजिकल है तो म्यूजिक जैसे उमराव जान की स्टोरी तो सबको पता है तो उमराव जान की स्टोरी हम रिप्रेजेंट करेंगे थिएटर में. कुछ 90 to 100 मिनट्स का प्ले है विथ वन इंटरवल और आशा हमारी यही रहती है कि हम आपको ले जाएं मुग़ल पीरियड के अंदर जब ये डांसेस होते थे और वो जब ये पूरा ईरा था तो वहाँ पे हम आपको ले जाएं और एक उस समय का दृश्य दिखाएं. थैंक यू वेरी मच.
बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी नॉवल है। और उमराव जान का जो कैरेक्टर है वो हमने फिल्मों में भी देखा है, जिस तरीके से खयाम साहब का म्यूजिक था और जिस तरह से रेखा जी ने उसको परफॉर्म किया था, और मुजफ्फर साहब की फिल्म थी, सलीम सुलेमान का म्यूज़िक है इस पूरे ओपेरा में। ये हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर्स और म्यूजिशियंस हैं और सिंगर्स हैं, और जिस बखूबी से इन्होंने ये पूरा ओपेरा को म्यूज़िक दिया है, और जिस किस्म से इसके डायरेक्टर्स डायरेक्टर राजीव गोस्वामी ने जो काम किया हुआ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, इंटरेस्टिंग ओपेरा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता, हमारी ऑडियंस जो थिएटर लवर्स हैं, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आइए और इस ओपेरा को सपोर्ट करिए, इसको प्रमोट करिए, ताकि थिएटर की दुनिया में ऐसे ओपेरा जैसे शोज़ बहुत कम होते हैं। बहुत मेहनत की है कलाकारों ने, भीड़ है कलाकारों की, पूरा भरा हुआ स्टेज है, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, और एक्टर्स खुद गाने गा रहे हैं। इसमें कोई रिकॉर्डेड सॉन्ग नहीं है, इसमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक ट्रैक ही रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन जो परफॉर्मर्स है वो खुद गा रहे हैं गाना, वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही यूनिक चीज़ है। और विशिंग सलीम सुलेमान द एंटायर टीम ऑल द सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, एंड आई एम श्योर दैट दिस शो विल डू अ ग्रेट जॉब। अश्का सबसे पहले कि जब थिएटर की बात करते हैं इंडिया में, तो इस लेवल का प्रोडक्शन, इस साइज का प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना, आई थिंक इट्स कमेंडेबल, इट्स सेटिंग अ बेंचमार्क फॉर अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। एंड मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त कनिका आज एक बहुत अच्छा किरदार निभा रही है, और हम उसे यू नो चीयर करने आए हैं, शो को देखने आए हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स बीइंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। व्हाट डू यू से जूही? ये उमराव जान तो क्लासिक है, और उसे लाइव देख पाना स्टेज पर, उस स्टोरी को और इतना खूबसूरती से जिस तरह से इन्होंने बनाया है, और जो प्रोडक्शन वैल्यू है ऑब्वियसली, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड जैसे आशू ने कहा, कनिका बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, सो वी आर गोइंग टू चीयर फॉर हर आल्सो एंड वॉच अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट शो। एंड बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू सलीम एंड सुलेमान। थैंक यू। थैंक यू सर। जिस तरह एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स आ रही है, अरे छोड़ यार, बहुत खुश हूँ। 23 तारीख को जलसा होगा, हम सब सेलिब्रेट करेंगे साथ में, मोदी जी फिर अपनी सरकार बनाएंगे, जिस चीज़ के लिए मेहनत हुई है, और मुझे लगता है कि देश को इस वक्त नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, और देश ने उन्हीं को चुना है एग्जिट पोल के अनुसार। और मुझे इस बात का यकीन है कि एग्जिट पोल से ज़्यादा सीटें जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी को 23 तारीख को मिलने वाली है। एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर 23rd टू सेलिब्रेट द कमबैक ऑफ आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थैंक यू। पहली बात तो ये कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है सलीम सुलेमान का, जो कि मेरे बहुत नज़दीक हैं, और उनके साथ वन ऑफ माई देयर माई मोस्ट फेवरेट म्यूजिशियंस। उनकी सोच बहुत अच्छी है, और उमराव जान तो एक ऐसी संगीत की पेशकश है जिससे हम बड़े हुए हैं, जिसको सुन के हमने रियाज किया है, तो आज ये लोग उसको क्या करने वाले हैं ये देखने के लिए यहाँ पर आए। एक तो जो लाइव एलिमेंट है वो दिमाग में आता है कि सब लाइव होने वाला है, तो वही मैं देखना चाहता हूँ कि आज इन गानों को, या ये नए गाने हैं, ये पुराने गाने हैं, एक्टर्स क्या कर रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं वो गा रहे हैं या लिपसिंग कर रहे हैं, या कपड़े कैसे हैं, सेट्स कैसे हैं, इमोशंस कैसे हैं, डायलॉग्स कैसे हैं, ये सब देखना चाहूँगा आज मैं। नहीं, मैं थिएटर नहीं किया कभी, क्योंकि मैं स्टेज शोज़ करता हूँ तो वो भी थिएटर ही हो गया। थैंक यू, बाय। उमराव जान एज अ कॉन्सेप्ट, आप जब भी सोचते हो तो आपको सिर्फ रेखा जी दिखाई देती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर कोई ब्रेक कर सकता है तो आई थिंक एक म्यूजिकल प्ले ब्रेक कर सकता है, और इतने टाइम के बाद कुछ ऐसा आया है कि आप
I mean, you relate to it and you'll be like, you're going back to the retro time also. So I am very excited and I am looking forward to see the play. मुझे उमराव जान जैसे ही वर्ड आता है पहले तो रेखा जी देन आई थिंक ऑफ ऐश्वर्या एंड मुझे फारूक जी याद आते हैं एक्चुअली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई एम एक्सपेक्टिंग फायरवर्क्स ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट क्योंकि ये एक ऐसा शो है. एक तो मेरे खास दोस्त सलीम सुलेमान का है ओके एंड मेरा दोस्त चिंतन जो है ही इज बिकॉज ऑफ हिम वी आर हियर एंड दिस इज आई थिंक ये एक आई थिंक उमराव जान इटसेल्फ नाम ही काफ़ी है फॉर आई एम होपिंग रेखा जी यहाँ पे होंगे. Reliving the past and I think something like Umrao Jaan, we've lost the flavor over the time. So aisa kuch wapas dekhne ko mil raha hai, us cheez ko, us era ko fir se relive karne ka mauka mil raha hai. Do your Rekha eyes. Oh yeah, I know. Chintan, come here. Yeah, yeah, come here, come here. Yeah, yeah, sab pan karo, sab pan karo. इधर आओ. ये बंदा ओके आमाज चल रही है. हम यहाँ पर आए हैं. सो यस मेमोरीज ऑफ उमराव जान ऑफ कोर्स इन आँखों की मस्ती मेरी वाइफ का बहुत फेवरेट गाना है. चीजें लव द सॉन्ग उसका एक्चुअली रिंग टोन ये है इन आँखों की मस्ती. सो ओहो आ जा तू भी आ जा इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा. सो ये पूरा झुंड है हमारा यहाँ पर जो है. ये चिंतन है जिसकी वजह से हम यहाँ पर है. ये सृष्टि रोड सृष्टि इधर आइए. ये लिली हमारी मतलब पूरा घरों परिवार यहाँ पर आया हुआ है. सो दिस मैन हैज वर्क रियली हार्ड ऑन दिस शो उमराव जान. अपार्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर पीपल वर बैक स्टेज राइट नाउ. ऑफ कोर्स यार मतलब मेरे सामने तो या राइट 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 चिंतन यार. तो यस अगेन एनी मोर क्वेश्चंस दैट ओके सृष्टि कैन टेक ओवर राइट नाउ. सॉरी प्ले में एक्चुअली पहली बार एक प्ले देखने आई हूँ. अरे यार तू निकल जा यहाँ से. तू निकल जा. ये धब्बा है एक्टिंग के नाम पे धब्बा है लड़की. सच में पहली बार प्ले देखने आई है. हम हमारी जिंदगी प्ले कर कर के काटी है और ये पहली बार देखने आई है. वाओ सी ना मेरा स्टार्ट ही इतना. ओके वी कैन डू द वीडियो वी कैन साइन. ओके थैंक यू सो मच एंड विशिंग एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट. सलीम सुल्तान विश यू ऑल द बेस्ट मैन. लव यू. यस ऑल द बेस्ट. एंड द एंटायर टीम ऑफ उमराव जान. एक्सक्यूज मी वन फोटो. Okay, everybody look here. Turn okay, your body. Then. Turn your body a little bit to the side. Hey. Thank you. All right. Thank you. बहुत excited हूँ. बहुत अरसे बाद एक play देखने आई हूँ. खुद theater background से हूँ इसलिए ऐसी चीज़ें support करने में बहुत अच्छा लगता है. और लाइव लाइव प्ले है लाइव म्यूजिक है तो उसका अलग मज़ा होगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हम सब ने गाने सुने हैं. हम सब ने फिल्म देखी है. हम सब ने वो अदाकारी जो थी उसे सराहा है. पहली बार हमें अलग अलग तरह के म्यूजिकल प्ले देखे हैं पर ये पहली बार हो रहा है कि उमराव जान स्टेज पे आ रही है और बहुत बड़ी बात है. इतना बड़ा सेटअप इतने बड़े एक्टर्स इतने सारे लोगों को लाइव प्रेजेंट करना लाइव म्यूज़िक के साथ प्रेजेंट करना लाइव सिंगिंग के साथ प्रेजेंट करना बहुत ही टफ जॉब है और देखना है कि कैसा है. एंड आई एम लुकिंग वेरी आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम लोग म्यूज़िकल देख रहे हैं और इस तरह का म्यूज़िकल देखना हमेशा स्पेशली रहेगा. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स दैट वी आर सीइंग अ म्यूज़िकल इन मुंबई एंड समथिंग ऑफ दिस स्टैचर एंड स्केल. सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू. काफ़ी एक्साइटेड. रेखा
रेखा जी आती है जहन में हमारे ख्याल में, क्योंकि अगर उमरा जान की बात करें तो एक ही नाम आता है, वो है रेखा जी। और बट लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस।